लेकिन अब चलिए शुरू हो जाते हैं चैंपियन बनाम चैंपियन इस मैच को देखने के लिए। ड्रू मैकइंटायर ने कह दिया है कि तुम्हारा समय हो चुका है खत्म, रोमन रेंस आ गए हो तुम, यहां के असली असली सरदार असली बाप से मिलने। बिल्कुल सही, अब झंडा है रोमन रेंस के हाथों। आज की रात आंकड़े रॉ बनाम स्मैकडाउन के है 3-2, रॉ के नाम है 3 जीत और स्मैकडाउन के नाम है 2 जीत। रोमन रेंस जीत जाएंगे तो आज की रात बराबरी में खत्म हो जाएगी। दोनों ही ब्रांड्स आगे रहेंगे, अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं। घंटी बज चुकी है, दोनों ने एक दूसरे को एक होल्ड में पकड़ा है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, शुरुआत में कंट्रोल लेना काफी जरूरी है, मोमेंटम सेट करना काफी जरूरी है, फ्लो सेट करना काफी जरूरी है रोमन रेंस के लिए भी। हाँ, मानता हूं रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि ड्रू मैकइंटायर भी जबरदस्त सुपरस्टार है भाई, क्या साल रहा है उनके लिए। बिल्कुल सही, ड्रू मैकइंटायर इस समय मेरे ख्याल से वही गीत गा रहे होंगे जो हमने गाया था जॉन सीना की याद में, कि तेरा टाइम खत्म मेरा टाइम शुरू, तू देख नहीं पाएगा मेरा टाइम शुरू। आपको वो धुन याद है? जी जी जी, जरूर याद है। चलिए अब गाते नहीं है क्योंकि समय यहाँ पे गाने का नहीं बजाने का हो रहा है और दोनों तरफ से हाथापाई जा रही है। यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है, रॉ बनाम स्मैकडाउन जारी है यहाँ सर्वाइवर सीरीज में। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के सामने आए थे रॉयल रंबल में भी साल की शुरुआत में, और रोमन रेंस को एलिमिनेट भी कर दिया था ड्रू मैकइंटायर ने, ये हुआ था। तो जरूर ड्रू मैकइंटायर के नाम एक जीत तो है रोमन रेंस के खिलाफ आज की इस साल में, और हम सब जानते हैं रॉयल रंबल में क्या किया उन्होंने, ब्रॉक लेसनर को भी एलिमिनेट किया, जीत गए और आगे जाकर रेसलमेनिया में चैंपियन बने सबके। क्या शानदार साल रही ड्रू मैकइंटायर के लिए, माफ करिए ड्रू मैकइंटायर ने अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने आप को बदला है, और जो इंसान अपने ऊपर जीत पा लेता है वो शक्तिमान कहला जाता है अक्सर, याद रखिएगा आप। और स्कोर अगर आज का आप देख रहे हैं तो रॉ के फेवर में है, 3-2 चल रहा है पहला, यानी कि दोनों सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल मैचेस जो होते हैं एलिमिनेशन मैचेस वो जीते हैं रॉ ने अभी फिलहाल, और बॉबी लैशली ने भी जीत हासिल की है। तो मैं तो कहूंगा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी आज रॉ के हाथ में है, और जो आंकड़े हैं जैसे कि आप आंकड़ों के बहुत बड़े फैन हैं वो भी रॉ की तरफ है, और बढ़िया टेकडाउन के साथ हमारे WWE चैंपियन ने नियंत्रण लिया हुआ है रोमन रेंस के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो पीयूष, लेकिन तुम भूल गए हो कि चैंपियन बनाम चैंपियन होता है, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बना रॉ वुमेन्स चैंपियन में जीता कौन, हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स ने। फिर टैग टीम चैंपियनशिप मतलब दो टाइम चैंपियन से वहां पे, उसमें कौन जीता, स्ट्रीट प्रॉफिट जीता न्यू डे के खिलाफ, तो ये एक और चैंपियन मलांग चैंप सिंगल्स मैच है, इसमें भी जीत अवश्य होने वाली है स्मैकडाउन चैंपियन यानी कि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की। आपने ताकत देखी अभी सैंडी, आप जब जब बोल रहे हैं तब तक वहां पे कुछ हो रहा है, रोमन रेंस को कैसे बचाएंगे आप अपनी बातों से? रोमन रेंस को बचाने की किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप को बचा सकते हैं। ओहो, जबरदस्त शोल्डर टैकल यहाँ पे, और ये है जो यू नो चतुराई है रोमन रेंस की, सांसें पकड़ रहे हैं बाहर जाकर, और ये जरूरी भी है। मैकइंटायर जैसे प्रतिद्वंदी से शायद रोमन रेंस काफी लंबे समय से नहीं मिले हैं। बिल्कुल, अगर आपका प्लान ए काम नहीं आता तो जरूर प्लान बी या प्लान सी में जाते हैं, और जरूर रोमन रेंस आते हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 रणनीतियों के साथ, जरूर अब प्लान बी में जाना पड़ेगा, शायद जो ताकत वाला गेम है वो काम नहीं आएगा ड्रू मैकइंटायर के साथ, कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, माइंड गेम्स खेलना पड़ेगा, मैच को थोड़ा धीमा करना होगा रोमन रेंस को, फ्रस्ट्रेट करना होगा ड्रू मैकइंटायर को, तब जाके ड्रू मैकइंटायर कुछ गलतियां कर सकते हैं और रोमन रेंस को एक ओपनिंग मिल सकती है इस मैच को अपने हाथ में लेने के लिए। मैकइंटायर यहाँ पर हर एक क्षण को इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतने प्रफुल्लित दिख रहे हैं जिसे कहते हैं, लग रहा है कुछ कोई मैच नहीं पार्क में खेलने आए हैं, उनके लिए ये आम रोजमर्रा का काम हो गया है। आराम से जीत हासिल कर सकते हैं यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर, उनको ये बात पता है पूरी तरह, तभी इतना कॉन्फिडेंस है उनको यहाँ पर, एक 2-time वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं तो और भी कॉन्फिडेंस आ चुका है उनके अंदर, भरपूर कॉन्फिडेंस। और यही बात नहीं है, पूरे WWE यूनिवर्स का जो सपोर्ट है उनके पीछे,
वो शायद कहीं भी नहीं, उन्होंने हर एक चीज साबित की है, हर एक जो कहते हैं कतरा इज्जत का जो उनको मिलता है वो उन्होंने कमाया है, और वो भी काम करके। बात सही है मानता हूं, लेकिन एक और आंकड़ा तुम्हारे सामने मैं अब रखता हूं भाई। आज की रात के पहले ये दोनों 3 बार मिल चुके हैं, एक दूसरे खेला सिंगल्स एक्शन में, और तीनों बार जीत हुई है रोमन रेंज की। 2 बार मिले थे पिछले साल रेसलमेनिया 35 में, और स्टॉपिंग दोनों बार जीते रोमन रेंज, यानी कि आज की रात होने वाली है 4-0। चलिए ठीक है, आप इतिहास को दोहराते देखना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक नया सवेरा भी देखना पड़ेगा आपको, वो भी याद रखिए। आज जो तलवार लेके आए थे वो इस बात का सबूत है कि रेजर्स एज पे चलने को पूरी तरह तैयार है ड्रू मैकइंटायर भाई। लेकिन रोमन रेंस पहले वाला रोमन रेंस नहीं है, अब ये काबिले का सरदार बन चुका है, अब सिर्फ उनकी ही जीत नहीं लगी है दाव पर, लगा है दाव पर पूरे काबिले का स्वाभिमान और अभिमान। वो अगर जीता है उसे बरकरार रखना है तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रोमन रेंस। और ये देखिए वही क्या रस्सियों की मदद से मुश्किल में डाला है ड्रू मैकइंटायर को, मुश्किल में पटक दिया, अब कंट्रोल में आ चुके हैं पूरी तरह से हमारे काबिले के सरदार रोमन रेंस। देखिए जब आप कबीले के सरदार बनते हैं तो आप अपने ऊपर ही काफी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, बहुत बड़ा कांटों का ताज होता है जब आप बनना चाहते हैं कहीं के सरदार कहीं के नेता। और इससे पहले जो आपने कहा जितनी बार भी जीत हुई है रोमन रेंस की, हर दफा वो अपने लिए लड़ रहे होते थे, अपनी निष्ठा के लिए लड़ रहे होते थे, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे होते थे, अपने आप को एक सो कॉल्ड सरदार बना के नेता बना के एक परिवार का बाप बना के नहीं लड़ रहे होते थे। वो प्रेशर इस समय रोमन रेंस के अंदर दिख रहा है, वो डेस्परेशन रोमन रेंस के अंदर है, और वही उनको खाएगा, वही उनको बर्बाद करेगा, ये बात याद रखिएगा। ड्रू मैकइंटायर अभी भी एक लोन वुल्फ की तरह अकेले लड़ता है भाई, जरा भी नहीं, ये है बिग डॉग, और जब इसको खतरा महसूस होता है तो जरूर आके काटता है भाई। तुम जितना दूर रह सकते हो इस रूप वाले रोमन रेंस से उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए भाई। जैसा तुमने कहा पहले दाव पे लगा था सिर्फ खुद का स्वाभिमान, अब दाव पे लगा है पूरे परिवार का, उनके काबिले का स्वाभिमान, तो जरूर और खतरनाक बन गए हैं रोमन रेंस। पिन एक, ओ, वन काउंट पे किक आउट कर गए ड्रू मैकइंटायर। यार कैसा लगा आपको वो वन काउंट? ये तो शुरुआत है मेरे भाई, अब देखो कितनी और दर्द में कितनी और पीड़ा में ऐसे तड़पेंगे ड्रू मैकइंटायर। पॉल हेमन बाहर नजरें गड़ाए हुए हैं इस मैच के ऊपर, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, टायर के पैरों में कितनी ताकत है, कहीं भी गलती से भी एक क्लेमोर किक अगर कनेक्ट हो गया यहाँ पर तो भागे रास्ता नहीं मिलने वाला है रोमन रेंस को। अगर ड्रू मैकइंटायर के पैरों में दम है मेरे भाई तो तुम भूल रहे हो कि रोमन रेंस के हाथ में कितना दम है। अगर वो सुपरमैन पंच मारेगा इससे पहले किक आउट तो रोमन रेंस हमेशा के लिए ड्रू मैकइंटायर को सुला सकते हैं भाई। आप दम की बात करें तो मैं तो कहूंगा ड्रू मैकइंटायर के सर में भी उतना दम है जितना उनके उनके पांव में है, क्योंकि क्लेमोर किक के साथ साथ उनका उनका जो ग्लासगो किस है और उस ग्लासगो किस के साथ साथ उनका जो दिमाग है वो भी बहुत ज्यादा शांत और बहुत फोकस्ड है। अगर तुम बालों की बातों करेंगे तो मैं बात करूंगा कंधे का, जिस कंधे पे ये पूरा बोझ उठा रहे अपने परिवार का, अपने काबिले का, सबका, इस पूरे कंपनी का। अगर पड़ेगा वो स्पीयर तो तुम क्या, तुम्हारा चार का पुष्टि नहीं उठ पाएगी। आपके अंदर का अय्यर बहुत ही तेजी से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है मुझे संदीप। तुम मेरे जानवर को मत जगाओ, मेरे सरदार यहाँ पे मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, अब हमारे दोनों के बीच एक लड़ाई ना हो जाए पीयूष। नहीं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं हो सकती, फिलहाल हम इस मैच को एंजॉय करते हैं। ओ, 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 रोमन रेंस उड़ते हुए उसको साइड के साथ ले चुके थे नियंत्रण, लेकिन WWE चैंपियन को हरा पाना आसान नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं मेरे भाई, रोमन रेंस के पास कंट्रोल
आ गया है और निकल ही नहीं रहा। ये देखो क्या शानदार तरीके से उड़ते हुए, वो हो क्लोज लाइन वहां पे ड्रू मैकइंटायर को पैर को हुक कर दिया, लेकिन नहीं किक आउट कर गया। कितनी देर के लिए फिर से एक सबमिशन होल्ड, मुश्किल में है ड्रू मैकइंटायर। आपको बचाने की कोशिश ड्रू मैकइंटायर, शायद ये सोच के नहीं आए थे कि रोमन रेंस उनके सामने इतनी देर टिक पाएंगे। और ये बात लाजमी भी है, जिस तरीके से जितने खतरनाक जितने शानदार सुपरस्टार हैं ड्रू मैकइंटायर, और अभी अभी उन्होंने वापस अपना टाइटल जीता है रैंडी ऑर्टन के खिलाफ, तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। और मेरे ख्याल से उसकी थकान भी जरूर होगी जो कि रोमन रेंस को नहीं है, क्योंकि वो एक फाइटिंग चैंपियन नहीं है बिल्कुल भी। मेरे मुंह से तुम्हें शब्द निकाल लिए, फाइटिंग चैंपियन वाले ने उसके पहली वाली बात की थकान जरूर होगी ड्रू मैकइंटायर के अंदर। रोमन रेंस को फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई उनका मुकाबला करने वाला ही कोई नहीं है अभी तक स्मैकडाउन में, तो कोई नहीं है मेरे भाई। कौन है, नाम लो, एक का भी नाम लो। तो क्यों है यहाँ पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो छोड़ दें अपना टाइटल, रिलिंक्विश करके चले जाए, लेकिन नहीं, आज इस बात को स्थापित साबित कर देंगे ड्रू मैकइंटायर पूरी तरह के इस लायक नहीं है रोमन रेंज के होल्ड कर सके वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियन। और रॉ की जीत आज पक्की है सैंडी, ये बात याद रखिएगा, पूरा WWE यूनिवर्स इनके साथ। और अब क्लेमोर टाउन का स्वागत, या फिर कहूं मैं क्लेमोर टाउन का दर्शन होने वाला है रोमन रेंज को। बहुत जल्दी बोल रहे हो, इतनी जल्दी नहीं करेंगे रोमन रेंज, क्योंकि उन्होंने अभी तक वीजा ही नहीं कटवाया है क्लेमोर टाउन का। हाँ, देखा यही हाल हो गया। फ्यूचर शॉक डीडीटी की कोशिश, नहीं मिस कर गए, कंधों पे उठा लिया रोमन रेंज, सबमिशन ड्रॉप हो सकता है। नहीं, काफी कमजोर पड़ चुके हैं रोमन रेंज, इसलिए सबमिशन ड्रॉप के लिए उठा तक नहीं पाए ड्रू मैकइंटायर को। और अभी भी ड्रू मैकइंटायर के अंदर इतनी ताकत है कि वो, अरे बाप रे बाप, गलत बोल गया मैं यहाँ पर, एक सबमिशन ड्रॉप के बाद बिल्कुल एक नियर फॉल भाई। पहले एक काउंट था, दो काउंट तक, ढाई काउंट तक पहुंचा है, बस थोड़ा ही वक्का फासला बचा है मेरे भाई, थोड़ी ही देर में जीत जाएंगे रोमन रेंस, मैं पक्का हूं, जरूर कह सकता हूं। ये बहुत थक गए हैं दोनों, लेकिन ज्यादा ताकत ज्यादा सहनशीलता हमेशा रोमन रेंस के अंदर ही रही है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सहनशीलता इस समय पॉल हेमन के अंदर है, जितनी बेइज्जती वो सहते हैं इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद रोमन रेंस से दबे रहते हैं, मुझे लगता है उनके अंदर सबसे ज्यादा सहनशीलता होगी। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, पर एक बात भी सोचनी पड़ेगी पीयूष, कि क्या जे उस और इस मैच को बैकस्टेज देख रहे होंगे, जरूर वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि उनका भाई चचेरा भाई इस मैच को जीत जाए और उनका परिवार का नाम रोशन रहे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्या वो आएंगे मदद करने के लिए रोमन रेंस को? रोमन रेंस का कोई भाई नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि वो जब अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं भाई तो अक्सर साथ में होते हैं। पीयूष, रॉक एंड रोल हो चुका है, सुपरमैन पंच हो सकता था, मिस कर गए। यहाँ एक स्पाइन बस्टर के साथ कवर हो गया है, और नहीं, क्या पलटवार था, काफी मजा।